हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक गाइज। मेरे के लिए फिर से इंटरेस्टिंग वीडियो जो टिकटॉक पे काफी तेजी से वायरल हो रहा है गाइज। जिस वीडियो को आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, उस तरह के वीडियो को आपको एडिट कैसे करना है, तो देखते रहना इस वीडियो को एंड तक। और गाइज अभी से कर दीजिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं इसी तरह के जो टिकटॉक पे VFX एडिटिंग आती है उस पर ट्यूटोरियल जरूर लेके आता हूँ। और गाइज मेरे को इंस्टाग्राम पर भी आप फॉलो कर सकते हो, वहाँ पर किसी भी प्रकार के वीडियोज़ को आप सेंड कर सकते हो एडिट करवाने के लिए। सो गाइज बिना टाइम वेस्ट करे चलो वीडियो स्टार्ट करते। सो गाइस यहाँ पे मेरा काइनमास्टर ओपन हो चुका है। अगर आपके पास पहले से डाउनलोड नहीं है, मेरे इंस्टाग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ पर मेरे को मैसेज कर देना होगा। तो वहाँ पे मैं काइनमास्टर प्रो की लिंक आपको सेंड कर दूंगा, उससे आपको बेनिफिट क्या होगा गाइस। यहाँ पे काइनमास्टर प्रो की लिंक आपको सेंड कर दूंगा यहाँ पे, जिसमें वाटरमार्क नहीं आता है। यहाँ पे आप गूगल से डाउनलोड करोगे तो आपके पास वाटरमार्क मिलेगा। जैसे मेरी वीडियो में वाटरमार्क नहीं आता है, वहाँ पे काइनमास्टर का लोगो नहीं आता, तो आपके इससे आप बच जाओगे। सो गाइस आपको प्लस के आइकन पे जाना होगा, यहाँ पे 9.16 पे सेलेक्ट कर देना होगा। इससे क्या होगा, आपको जो फुल साइज़ वाला इंटरफेस इस तरीके से मिल जाएगा। अब आपको उस वीडियो को इसमें डालना होगा जो आपने शूट किया है। तो सबसे पहले मीडिया पे जाना होगा और यहाँ पे गैलरी वाला इंटरफेस ओपन हो जाएगा, तो उस वीडियो को आपको इसमें डाल देना होगा। तो मैंने इस वीडियो को इसमें डाल दिया है। अब आपको जहाँ से भी इस वीडियो को कट करना चाहते हो वहाँ से कट करना चाहते हो। जैसे मैं यहाँ पे इस वीडियो को यहाँ से कट करूँगा, तो आपको इस वीडियो को सबसे पहले यहाँ पे पॉज कर देना होगा और यहाँ पे लेयर पे क्लिक करने के बाद आपको ऊपर सीजर का ऑप्शन मिलेगा। सीजर पे जाते ही आपको ट्रिम टू राइट ऑफ प्लेट कर देना होगा, तो आपको वीडियो यहाँ पे राइट साइड से कट जाएगा। इसी तरीके से आप वीडियो को लेफ्ट साइड से भी कट कर सकते हो। देख सकते हो यहाँ पे लेफ्ट राइट दोनों साइड से भी आप वीडियो को कट कर सकते हो गाइज। तो मैं इस वीडियो को यहाँ पे वापस फुल साइज में कर लेता हूँ। और फ्रेंड्स एक और बात, आप जैसे भी आप वीडियो को बीच में से भी कट करना चाहते हो, तो आपको यहाँ पे स्पीड ऑफ प्लेडे का ऑप्शन मिलेगा, थर्ड ऑप्शन पे। इस पर करते हैं आपको वीडियो दो पार्ट में हो जाएगा। इस तरीके से आप वीडियो को यहाँ पे लेफ्ट साइड से कट कर सकते हो। देखो यहाँ पे बीच में तीनों साइड से आप वीडियो को कट कर सकते हो। फ्रेंड्स मैं इस वीडियो को सबसे पहले यहाँ पे कट करने के बाद फुल साइज में वापस कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स अब क्या करना होगा, आपको जो ग्रीन स्क्रीन है तलवार फेंकने वाली, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाकर जल्दी से डाउनलोड कर लीजिए। उसको इसमें कैसे लेके आना होगा, तो लेयर के ऑप्शन पे जाना होगा और मीडिया सेलेक्ट कर लेना होगा, तो आपको गैलरी वाला इंटरफेस मिल जाएगा। उसमें जाने के बाद आपको उसको इसमें डाल देना होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ग्रीन स्क्रीन को डालने के बाद आपको यहाँ पे इसको सबसे पहले इक्वल कर देना होगा कुछ इस तरीके से। यहाँ पे एंड के वीडियो को आपको कट कर देना होगा। यहाँ पे सीजर पे जाने के बाद आपको ट्रिम टू राइट ऑफ प्लेट कर देना होगा, तो यहाँ पे दोनों लेयर आपको इक्वल हो जाएगी। अब आपको यहाँ पे ग्रीन स्क्रीन को कुछ इस तरीके से बड़ा करना होगा। यहाँ पे क्रोमकी का ऑप्शन मिलेगा, इस पर जाने के बाद इसको इनेबल कर लेना होगा। तो आप देख सकते हो आपकी यहाँ पे ग्रीन स्क्रीन हट चुकी है, आपकी जो तलवार है उसको यहाँ पे मैं इतना बड़ा कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स मैंने कोई भी इसमें वीडियो में एक्टिंग नहीं किया। जहाँ पे एक्टिंग करने के बाद वीडियो को यहाँ पे शूट करना होगा, वहाँ पे इस वीडियो को डालना होगा। तो कुछ इस तरीके से आपका वीडियो यहाँ पे आ जाएगा। आप देख सकते हो बिल्कुल एक परफेक्ट यहाँ पे वीडियो आ चुका है। तो आपको जैसे आप वीडियो को शूट करोगे वैसे आपका वीडियो शानदार यहाँ पे बन जाएगा। तो यहाँ पे स्टार्टिंग से आपको मैं चला के दिखाता हूँ, कुछ इस तरीके से आपका वीडियो बन आएगा यहाँ पे, जो ग्रीन स्क्रीन है इस तरीके से। तो गाइस अब आपको यहाँ पे कुछ देखो, यहाँ पे एक तलवार यहाँ पे इस तरीके से आने के बाद आपका वीडियो ब्लर हो जाता है। तो आपको ब्लर कैसे करना है, सबसे पहले लेयर के ऑप्शन पे जाना होगा। यहाँ पे इफेक्ट का ऑप्शन मिलेगा, इस पर जाने के बाद आपको यहाँ पे ब्लर का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर आपको क्लिक कर देना होगा, तो आपको वीडियो यहाँ पे ब्लर हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा, इसमें जाने के बाद यहाँ पे इसकी साइज को 2 या 3 या इस तरीके से नहीं करना होगा, आपको 1 पे कर देना होगा, तो फिर हल्का ब्लर हो जाएगा। तो आपका वीडियो बिल्कुल एक प्रोफेशनल वीडियो बन जाएगा कुछ इस तरीके से। सो गाइज मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना। इस ऑप्शन पे जाने के बाद आपको वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना होगा। तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है यार वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल पे पहली बार विजिट किया तो सब्सक्राइब जरूर करना।